ये बड़ा खुशी का मौसम है, खुशी का समय है कि जिन्होंने हमारे समाज को जागृत करने के लिए भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई का जन्मदिन है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन जिन महापुरुषों ने हमारे समाज को जागृत करने के लिए अपनी बलि दी है, जिसके कारण हम यहाँ खड़े हुए हैं। एक बार जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी चर्चा हुई है संविधान पर, प्रोफेसर साहब ने बड़ा कहा कि संविधान खतरे में है और हमारी अगर कोई चाहत है जिसके द्वारा हम यहाँ खड़े हुए हैं वो संविधान के कारण है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि संविधान किस किस के घर में है, कृपया हाथ उठाएं। जिसके द्वारा हमें यहाँ पर ये पद मिले हैं, शिक्षा मिली है, वो संविधान के कारण जो मिली है। दूसरा, जिस समय संविधान डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा को सौंप रहे थे तो उन्होंने बड़ी चेतावनी दी थी कि मैं इस संविधान को संविधान सभा को सौंप रहा हूं, तो ये मेरे हाथ से संविधान चला जाएगा तो हम दो तरह की विसंगतियों में जीवन जिएंगे। एक तो राजनीतिक समानता होगी, दूसरा सामाजिक विषमता होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये चेतावनी दी थी कि उस विषमता को मिटाना, तो काफ़ी समय हो गया है उसको हम मिटा नहीं सके हैं। और मैं सभी आए हुए सज्जनों को जो अपना कीमती समय जो है यहाँ दिया है मैं धन्यवाद देता हूँ और सहयोग की अपील करता हूँ कि सभी जो है समाज के, जब हमारी एक जात है शेड्यूल कास्ट, तो हम अलग अलग जो है 647 जातियों में क्यों बटे हुए हैं। धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत।